सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट ये सर्वाइवल सीरीज का पार्ट टू। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने अपना एक कैसल बनाया था, जो मैं अभी दिखाता हूँ कैसा दिखता है। सो फ्रेंड्स, हमारा कैसल कुछ अभी इस तरह का लग रहा है। और आज मैं कैसल के ऊपर काम नहीं करने वाला हूँ, आज मुझे जाना है माइनिंग के लिए। सो माइनिंग पर कैसे जाना है मैं आपको बताता हूँ, पर उससे पहले मेरे को क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर रखनी है और बहुत सारी स्टिक्स बनानी है, इतनी सारी भी नहीं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वन स्टैक स्टिक्स बना लिया और अब मुझे लैडर्स बनानी है बहुत सारी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 54 लैडर्स बना लिए। और अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ऐसे जाना है नीचे और इधर लैडर्स लगाती जाना है। तो ऐसे ही मैं लेवल 12 तक पहुँचता हूँ और आपसे वापस मिलता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने लेवल 12 तक माइनिंग कर ली है धीरे धीरे करके और सीढ़ियाँ भी लगा ली है। और मुझे लावा की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, तो मैं बहुत केयरफुली यहाँ से इधर से थोड़ा थोड़ा ब्लॉक्स हटा हटा के आगे जाके इस एरिया को बड़ा कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे माइनिंग कर रहा था और यहाँ पे नीचे मुझे लावा मिल गई है, तो देखते हैं अगर डायमंड्स वगैरह हमें कुछ मिले तो फिर अच्छी बात होगी। और यहाँ पे पानी भी है, मतलब ऑब्सीडियन भी बना हुआ है यार, शायद ये पूरी एक केवी है। अरे 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 अरे, हाँ मैं पहले इस लावा को ना बंद कर देता हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो फ्रेंड्स यार, ये तो पूरी एक केवी है और मुझे अभी वहाँ पे जाके केव पे कुछ पंगे नहीं करने, तो यहाँ पे मैं इसको बंद ही कर देता हूँ, जल्दी से बेटर रहेगा। यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ थोड़ी सी। तो ये एरिया अभी मैं इस एरिया को एक्सप्लोर बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि मुझे डर लगता है लावा से। मैं इसको बस बंद कर दूँगा और आगे आगे माइनिंग चालू रखते हैं और जल्दी से इस एरिया को मैं और बड़ा कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने तो कुछ इतना एरिया भी डिग किया, मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा लावा की आवाज़ आ रही है। और मैंने जब यहाँ पे माइनिंग की तो यहाँ पे मुझे थोड़ा आयरन भी मिला था, तो अब मैं आयरन की पिकैक्स बनाऊँगा और ये रेडस्टोन वगैरह को तोड़ूँगा। बट कोल को तो मैं अभी भी तोड़ सकता हूँ, तो मैं जल्दी से इस कोल को ले लेता हूँ। फ्रेंड्स, डायमंड, ऑलरेडी डायमंड, कोल के अंदर डायमंड, लेट्स गो, देखते हैं, डायमंड मिल गया। ओ माय गॉड, मजा आ गया यार, डायमंड मिल गया, लेट्स गो। आई एम ग्लैड मैंने ये कोल को माइन किया, मैं जल्दी आयरन की पिकैक्स बना के इस डायमंड को अभी माइन करूंगा, बिना कोई देरी करे जल्दी आयरन की पिकैक्स बनाते हैं। ये 5 आयरन और ये आयरन की पिकैक्स, लेट्स गो, लेट्स गो, डायमंड्स। सो हम हैज मेड द एडवांसमेंट, डायमंड्स, लेट्स गो, टोटल 6 डायमंड। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि डायमंड की पिकैक्स बनाऊंगा और चलते हैं नदर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे पास 6 डायमंड्स हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ पे हमारे पास डायमंड्स हैं। ओह, तो लावा है, माय गॉड, और लावा, मतलब यहाँ और डायमंड्स हो सकते हैं। मैं थोड़ा ही, मेरे को ज़्यादा लालच करना नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि लालच करूँगा तो कभी भी हम बड़ा सीन हो सकता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यार नहीं, मैं नहीं कर रहा लालच, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मुझे डर लगता है। आई गिव अप ब्रो, आई कांट डू दिस, छोड़ो यार, मेरे को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। 6 डायमंड्स हैं अभी मेरे पास, बहुत ज़्यादा होते हैं 6 डायमंड्स। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी से एक डायमंड की पिकैक्स बनाता हूँ। सबसे पहले हमको चाहिएंगे उसके लिए स्टिक्स, तो यहाँ पे मेरे पास 4 स्टिक्स आ गई और ये डायमंड की पिकैक्स, लेट्स गो। और अब यहाँ पे जैसा कि आपको याद होगा कि यहाँ पे लावा था, तो यहाँ पे ओके, ऑब्सीडियन भी बनाई हुआ है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे आगे जाऊँगा और पानी को रोकूँगा। रुको रुको, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूँगी, पानी को रोक दूँगा, लेट्स गो। और नेदर में जाने के लिए हमको कितने ऑब्सीडियंस चाहिए होते हैं मुझे नहीं पता, तो जल्दी से मैं ये ऑब्सीडियंस तोड़ देता हूँ क्योंकि ऑब्सीडियंस तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
तो गाइस फाइनली हमारे पास आ चुके हैं 10 ऑब्सीडियंस और अब हमें चाहिएगा सिर्फ फ्लिंट और आयरन, तो हमारे पास है ही। तो जल्दी से ऊपर चलते हैं और सो जाते हैं क्योंकि अभी रात हो रही है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सुबह हो चुकी है और सामने ज़ॉम्बी आ गया यार। हाँ ओके, मॉन्स्टर हंटर की एडवांसमेंट भी मिल गई, सही है। सो अब जल्दी से चलते हैं ग्रेवल ढूंढने। ग्रेवल ढूंढने से पहले मैं यहाँ पे वो स्ट्रक्चर बना देता हूँ जो हमें चाहिए। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से हमें रखने हैं 3 ब्लॉक्स। अरे यार उफ 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 उफ, हाँ ओके। सो यहाँ पे हमें रखने हैं 3 ब्लॉक्स, उसके बाद साइड में हमें रख देना है 2 कॉबल स्टोन्स, फिर यहाँ से हमें लेके जाने हैं 2 ब्लॉक्स ऊपर, यहाँ पे कॉबल स्टोन, सेम चीज़ वहाँ पे करनी है। सो अरे 1 2 एक कॉबल स्टोन, और मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? अरे यार उल्टा कर दिया, यहाँ पे सिर्फ 2 ही आते हैं। अरे यार सारे ऑब्सीडियन तोड़ने में 1000 साल और लगाएंगे। तो गाइस फाइनली आफ्टर 1000 ईयर्स मैंने ये नेदर पोर्टल को कंप्लीट कर लिया है और अब हमें चाहिए ग्रेवल, और उसके लिए मेरे हिसाब से हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं आसपास कहीं पानी होगा तो फिर वहाँ से उठा लेंगे। ओके यहाँ पे पानी है और यहाँ पे ग्रेवल है क्या? काश हो यार, क्योंकि मुझे ग्रेवल के लिए अब और 2000 मीटर नहीं चल के जाना। ग्रेवल ग्रेवल है कहीं? अरे यार और ग्रेवल भी नहीं है, प्लीज ऐसा मत करो यार, यहाँ पे ग्रेवल ही नहीं है। अरे यार अब ग्रेवल ढूंढने में कहाँ जाऊँ? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? एनीवेज सो गाइस ये वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ। ग्रेवल के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में चलेंगे ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो पता नहीं मुझे ग्रेवल मिल के ही नहीं दे रहा है। Thank you.